हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद का 21वां अध्याय कैंटो 4 चैप्टर 21। विषय है महाराज पृथु का उपदेश। ये श्रीमद् भागवतम का ये सीरीज जो मैत्रेय ऋषि विदुर को सुना रहे हैं, सौनक आदि ऋषियों को शुद्ध गोस्वामी सुना रहे, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, तो महाराज पृथु की महिमा उनकी ख्याति का वर्णन किया जा रहा है यहाँ पर। तो जितने सारे ऋषिगण उपस्थित वहाँ पर यज्ञ स्थल में था, सब ने महाराज पृथु की महिमा का प्रशंसा किया और विदुर को संतुष्ट करने के लिए विदुर बारंबार महाराज पृथु की महिमा का गान श्रवण करने के कारण और उनका तीव्र रुचि बढ़ने लगा कि मैं बारंबार सुनता रहूं। तो विदुर ने जब मैत्रेय ऋषि से कहा कि हे प्रभु, अब कृपा करके पृथु महाराज की महिमा, उनकी ख्याति, उनका कंट्रीब्यूशन इन दिस वर्ल्ड, वो जगत में क्या छोड़ के गया, क्या करके गया, वो सब के बारे में बताइए। तो मैत्रेय ऋषि बहुत कुछ बोले, लेकिन उनमें से महाराज पृथु के बारे में बोले कि हे विदुर, महाराज पृथु महानतम से भी महान महापुरुष थे, अतः वे सबों के पूज्य थे। सबों के पूज्य कौन हो सकता है? जो सबको रेस्पेक्ट देता है, सबको सम्मान करता है। भगवान सबके लिए पूजनीय है, क्यों? क्योंकि भगवान सबको प्रेम करते हैं। भगवान का शुद्ध भक्त सबके लिए पूजनीय है, क्यों? क्योंकि सबको कृष्ण भक्ति दान करने का प्रयास करता है, कृष्ण प्रेम देने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर वही बात वर्णन किया गया है कि महाराज पृथु महानतम से भी महान महापुरुष थे। क्यों? क्योंकि वे अपने प्रजा को अपने पुत्र समान मानते थे। और एक पिता अपने पुत्र को किस दृष्टिकोण से, अपना कुछ अगर न हो या अपना पेट काट के बच्चों का पालन करना, इसे कहता है पिता का धर्म। तो उसी तरह पृथु महाराज प्रजा नागरिकों को सब कुछ मेंटेनेंस उसका शासन किया था। उन्होंने पृथ्वी पर शासन करते हुए अनेक प्रशंसनीय कार्य किए और अत्यंत उदार बने रहे। उदार बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी महान व्यक्ति के जीवन का। जब तक कोई उदार नहीं होता तब तक वो महान नहीं बनता, क्योंकि उदार व्यक्ति के हृदय में कोई भी इंटर कर सकता है, कोई भी प्रवेश कर सकता है। और कॉम्प्लिकेटेड पर्सन, जटिल व्यक्ति, क्रूर व्यक्ति कभी किसी का प्रिय नहीं होता। प्रिय व्यक्ति का क्वालिटी है वो उदार बने रहे। तो ऐसी महान सफलता प्राप्त करके तथा सारे विश्व में अपनी कीर्ति फैलाकर अंत में वो भगवान के चरण कमलों को प्राप्त हुए। महाराज पृथु अल्टीमेटली इतना सब कुछ किया और अंत में भगवान के चरण कमलों को भी प्राप्त हुआ। जीवन का लक्ष्य यही है। कोई कितना भी बड़ा महान कलाकार, महान आर्टिस्ट, फिलोसोफर, दार्शनिक, वैज्ञानिक हो, लेकिन अगर वो भगवान का भक्त नहीं बनता तो असफल है अपने जीवन में। तो यहाँ पर पृथु महाराज की महिमा का वर्णन किया गया है कि भौतिक दृष्टिकोण से भी अपने प्रजाओं को पुत्र समान मानते थे और सारे नागरिक उनको भगवान जैसा मानते थे। खैर, वो भगवान का अवतार था, भगवान का अवतारी है, लेकिन एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया, क्योंकि सत्तावेश अवतार था पृथ्वी महाराज। सत्तावेश अवतार का अर्थ किसी जीव विशेष को भगवान अपनी शक्ति प्रदान करते, दैट इज कॉल्ड सत्तावेश अवतार, इम्पावर इनकार्नेशन। सो यहाँ पर वही पृथ्वी महाराज की अनंत महिमा। तो भगवान के चरण कमल को प्राप्त करना, क्योंकि रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु जब गोदावरी के तट पर कॉन्वर्सेशन, वार्तालाप हो रहा था, तो चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से पूछा
कि संसार में सबसे बड़ी ख्याति, प्रसिद्धि, महानतम क्या है? तब रामानंद राय ने उत्तर दिया कि संसार में कृष्ण भक्त के रूप में विख्यात होना ही जीवन की परम सिद्धि है। तो यहाँ पर हम लोग पृथ्वी महाराज के जीवन में भी देखते हैं कि पृथ्वी महाराज एक दृष्टि पहले तो महापुरुष थे ही, सबों के प्रिय भी थे, पूज्य भी थे और उनकी कार्य की प्रशंसा अतुलनीय है। वो अत्यंत तो उदार भी थे, महान सफलता प्राप्त किए थे, सारे विश्व में कीर्ति फैलाए थे और अंत में वो भगवान के चरण कमलों को प्राप्त हो, भगवान का शुद्ध भक्त। तो एक यज्ञ का आयोजन किया गया जहाँ पे समस्त ऋषिगण, मुनि, भक्त, देवर्षि नारद, ब्रह्मा, शिव सभी आए थे। लेकिन वहाँ पे उपस्थित जितने सारे नागरिक थे उन लोगों को संबोधन करते हुए महाराज पृथु जो कुछ बोलेंगे मैत्रेय ऋषि विदुर को सुना रहे हैं कि हे विदुर, महाराज पृथु की वाणी अत्यंत सुंदर, अलंकारिक भाषा से युक्त, सुस्पष्ट तथा श्रुति मधुर थी। श्रुति मधुर, श्रुति मधुर का अर्थ होता है जो वाणी सुनने में अच्छा लगे, इसे कहते हैं श्रुति मधुर। और सुस्पष्ट, जैसे मेरे गुरु महाराज श्रीमद भक्ति चरण स्वामी गुरु महाराज, श्री प्रभुपाद की कृपा से उनका प्रणाम मंत्र में कि बाग्मी नाम च रसाप्लुतम नमों विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति चारु स्वामी दिनामिनी स्निग्ध चेत सुप्रणत बाग्मी नाम च रसाप्लुतम प्रभुपादगत प्राण नमे भक्ति चार। स्निग्ध चेत, जिसका हृदय प्योर स्निग्ध है, चेत मीन्स हार्ट, स्निग्ध चेत सुप्रणत, और जो किसी भी चीज को लिखने में प्रणेता है, आर्टिस्ट, सुप्रणत बाग्मी नाम च, और वाणी इतना पावरफुल और इतना स्पष्ट और इतना क्लियर, रसाप्लुतम, और रस है, जिस वाणी में रस है, रसाप्लुतम, और अल्टीमेटली में क्या है, प्रभुपादगत प्राण। यहाँ पे जैसे पृथ्वी महाराज की महिमा का वर्णन करके समस्त क्वालिटी होने के बाद उनका अंतिम क्वालिटी क्या है कि भगवान के चरण को प्राप्त करना, उसी प्रकार मेरे गुरु महाराज श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज उनके प्रणाम मंत्र में क्या है, सब कुछ क्वालिटी है भगवान की कृपा से, लेकिन अंत में सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या है, प्रभुपादगत प्राण, जिनका जीवन, जिनका लाइफ का डेडिकेशन प्रभुपाद के चरणों में, प्रभुपादगत प्राण नमी भक्ति चरण। सो यही बात यहाँ पे महाराज पृथ्वी की महिमा का वर्णन मैत्रेय ऋषि विदुर को सुना रहे हैं कि उनका वाणी इतना सुंदर, श्रुति मधुर, और उनके शब्द, उनका जो एक वर्ड अत्यंत गंभीर तथा अर्थवान था, गंभीर, एक एक वर्ड में क्वालिटी है, गंभीरता है, सीरियसनेस, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे बोलते समय परम सत्य संबंधी अपनी निजी अनुभूति व्यक्त कर रहे थे, जिससे वहां पर उपस्थित सभी लोग लाभ उठा सके। तो यही जब कोई भक्त बन जाता है तो अपने जीवन में जितना कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं भक्ति तत्व का, उसको वो सब शेयर करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए दूसरों के सामने, ताकि साधारण जनता लाभ उठा सके कि कृष्ण भक्ति कितना इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। तो इस प्रकार वहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को वो संबोधन किया और पृथ्वी महाराज ने कहा कि भगवत कृपा से मैं इस लोक का, इस पृथ्वी लोक का राजा के रूप में नियुक्त हुआ और मैं प्रजा के ऊपर शासन करने, उसे विपत्ति से बचाने तथा वैदिक आदेश से स्थापित सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक की स्थिति के अनुसार उसे आजीविका प्रदान करने के लिए ये राजगद्दी या ये राज्य धारण किया हूँ। तो अत प्रिय प्रजाजनों, नागरिकों, तुम्हें अपने राज्य के राजा की मृत्यु के बाद उसके कल्याण के लिए वर्ण तथा आश्रम की अपनी अपनी स्थितियों के अनुसार अपने अपने कर्तव्यों का उचित ढंग से पालन करना चाहिए और उसके साथ ही हृदय में भगवान का निरंतर स्मरण चिंतन करना चाहिए। ऐसा करने से तुम अपने हितों की रक्षा और अपने राजा की मृत्यु के उपरांत उसके कल्याण के लिए, कल्याण
के लिए अनुग्रह प्रदान कर सकोगे। तो यहाँ पर पृथ्वी महाराज सब कुछ वर्णन कर दिया कि देखिए इस संसार में हर कोई तो जीवित नहीं रह सकता हमेशा के लिए। तो हे प्रजाजनों, मेरी आपसे गुजारिश है, अनुरोध है कि आप लोग अपने अपने स्थिति अनुसार अपने धर्म वर्णाश्रम चतुर्वर्ण मयाशिष्टम गुण कर्म विभाग सर ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ष शूद्र अपने अपने आश्रम के अनुसार अपने कर्तव्य को उचित ढंग से पालन कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, और साथ में अल्टीमेटली भगवान की भक्ति अपने हृदय में भगवान का चिंतन कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, आप अपने हित की भी रक्षा करेंगे और जो राजा है उसका भी परम कल्याण होगा, क्योंकि राजा जो होता है उसका बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कर्तव्य होता है उनका कि प्रजा अगर अच्छा भक्ति करे, सुंदर ढंग से धर्म का पालन करे तो 100% में से 100% में 6% उनके जीवन में आता है। अगर प्रजा पाप करे तो पाप 6% आएगा, प्रजा अगर पुण्य करे तो 6% पुण्य आएगा, और प्रजा अगर भगवान कृष्ण की भक्ति करे तो 6% उसका भक्ति उनके जीवन में कल्याण करेगा। तो यही बात वो अनुरोध कर रहे समस्त नागरिकों को कि अब सबसे अनुरोध है कि आप लोग सब कुछ अपने अपने आश्रम के अनुसार वृत्ति के अनुसार कीजिए और भगवान कृष्ण का चिंतन कीजिए, यही मेरा आप सबसे अनुरोध है, निवेदन है। तो इस प्रकार महाराज पृथ्वी द्वारा उपदेश आज का जो हमारा टॉपिक था श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंध 21 अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। अतः हम सबको परम संतोष लाभ करना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम में इतने महान महान व्यक्तित्व का जीवन उनका उपदेश वर्णित है। तो ये हमारा कर्तव्य है कि उस उपदेश को अपने जीवन में लागू करके अपने जीवन को सार्थक करना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमद् भागवत की सत्र में श्रवण करने के लिए और आने के लिए। हरे कृष्ण।